हेलो, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से अपने माइक्रोफोन से जो है नॉइज़ जो रिमूव कर सकते हैं। इमेजिन आप किसी से बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन या अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर हो जाती है, आप उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। आप किसी से बात करें तो उसकी भी नॉइज़ आपको आ रही है, उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको जो है ना यहाँ पे सिखाऊंगा आप किस तरह से ये चीज़ें कर सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है जी जी स्टील, और सिंपल आपको जो ना यहाँ पे आ जाना है, फर्स्ट लिंक पे इस पर क्लिक करना है। आप टेंशन ना लें, इसकी जो लिंक मैं आपको जो ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मैक यूज़ करें तो आप ये वाला डाउन करेंगे, अगर विंडोज़ तो आप ये डाउन करेंगे। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही से डाउनलोड कर दिया, आप इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सिंपल जो ना पे सिंपल आपको डबल क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, आप इससे अपनी नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, अपने माइक्रोफोन की भी, आप जिससे बात करें उसकी भी कर सकते हैं, और इसमें वॉइस की क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियो जो है ना आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आपको सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। लैंग्वेज इंग्लिश, अगर आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं आप करना चाहते हैं, बट मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ। सिंपल ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अगेन आई एग्री पे क्लिक करना है। आपको सिंपल जो है यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। अब आपको सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो है हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे इसका अकाउंट बनाना होता है। अगर आपके पास अकाउंट है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है बनाना। सिंपल आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं, आई हैव स्टिल अकाउंट और आई डोंट हैव स्टिल अकाउंट। इफ अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी जी मेल लगानी है, यहाँ पर कोई भी न्यू पासवर्ड जो आप लगाना चाहते हैं, सिंपल ये दोनों पर क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक करना है। बट मेरे पास अकाउंट है तो मैं सिंपल जो अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आपको जी मेल टाइप करनी है, और यहाँ पे पासवर्ड सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको करनी है, ठीक है ना। इसको भी आपको सिंपली यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है। ये करने के बाद अब आपको मैं सेटिंग बताता हूँ किस तरह की सेटिंग करनी है जो आप अपने माइक्रोफोन की नॉइज़ को जो है ना कम कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे आना है, सोनार पे आना है, और यहाँ पे जो है ना आपको कुछ सेटिंग्स में बताता हूँ। आपको सिंपल जो है ना यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे हेडफोन्स हैं यूएसबी वाले, तो मैं सिंपल जो है ना अपने ये हेडफोन्स रियल टेक, बट मैं यूएसबी वाले हैं तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, और माइक्रोफोन भी सेम जो मेरा यूएसबी वाला है, ठीक है। सिंपल मैं इस पर और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच इसको भी इनेबल कर देना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे कुछ चैनल्स हैं, गेमिंग के लिए अलग चैनल है, वीडियो वॉचिंग के लिए अलग चैनल है। यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स में सारी सेटिंग बताता हूँ आपको। सिंपल आपको यहाँ पे गेमिंग जो गेम टर्न ऑन पे क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं अपने माइक्रोफोन की सेटिंग, और बाकी जो भी सेटिंग्स है वो सारी करते हैं, ठीक है। पहले आपको सिंपल ये चेक कर देना है कि यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन वो कनेक्टेड, जैसे हेडफोन है यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी कनेक्टेड है। सिंपल ये सारे यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे भी हम यूएसबी कनेक्ट कर देते हैं जो हमारी है यूएसबी, ये भी यूएसबी, यूएसबी सारी सेट है। अब आपको आ जाना है यहाँ पे सिंपल माइक पे। अब मैं आपको बताता हूँ माइक की सेटिंग कैसे करते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे माइक पे क्लिक करना है, और नीचे आ जाना है सिंपल यहाँ पे, ये भी सेट है, और आपको इसको भी इनेबल कर देना है, और इसको भी इनेबल कर देना है, यहाँ पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल अब यहाँ पे हम अपनी अभी यहाँ पे हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके चेक करते हैं किस तरह की सेटिंग करनी है। ये आप लेता हूँ, हेलो, हाँ हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हाँ हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हाँ हेलो माइक टेस्ट। हम जो ना इसकी वॉइस को चेंज करना चाहते हैं, आपको सिंपल कस्टम पे क्लिक करना है, दिस वन माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हाँ हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हाँ हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हाँ हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट। या तो ये वाला अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स है, आप अपने हिसाब से वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सिंपल आ जाना चैट पे। ये चैट वो सीन है जैसे इमेजिन आप किसी से बात कर रहे हैं ऑनलाइन ना, तो उसकी वॉइस में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, दूसरे बंदे की काफ़ी सारा नॉइज़ है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है, और
यहाँ पे आपको आ जाना है अपनी क्लियरिटी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पे भी आपको ये इनेबल कर देना है, ये भी इनेबल ऑटोमेटिक करना है। अब ये इम्पैक्ट यहाँ पे जो कुछ सेटिंग्स है, इमेजिन जब आप किसी से कॉल करें तो आपको सिंपल यहाँ पे अपने स्पीकर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं। इमेजिन अभी हम चल रहे हैं गेमिंग पे, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अगर आप वॉचिंग वीडियो कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आप किसी से फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं तो आप जो ना इस पर क्लिक करेंगे चैट पे। ये चैट वाला वही है जिसपे जो ना बैकग्राउंड नॉइज़ जो ना चेंज होती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स है, आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की वीडियोज़ जो ना आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।